छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी ललित और लक्ष्मी की है। दोनों की शादी हो गई। ललित बेचारा बहुत सीधा साधा नम्र स्वभाव का व्यक्ति, लक्ष्मी जरा तेज तर्रार। 6 महीने के बाद ललित ने फोन किया अपने मित्र मोहन को। अरे यार, मैं बहुत परेशान हूं, लक्ष्मी मुझे रोटी बेलने के बेलन से मारती है और मैं मार खा करके कुछ कर नहीं पाता हूं, क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो मोहन ने सुझाया, बड़ा सही सुझाव। उसने कहा, बेलन फेंक दो, रोटी मेकर ले लो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बेलन ही नहीं रहेगी तो मारेगी किससे। ललित ने वही किया। 15 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला। 15 दिन के बाद ललित ने फिर मोहन को फोन किया। अरे यार, इस शहर में मैं कौन सा वॉशिंग मशीन खरीदूं और कौन सी दुकान से खरीदूं। मोहन को बड़ा ताज्जुब हुआ। मोहन ने पूछा, अरे वॉशिंग मशीन की जरूरत इमरजेंसी क्यों हो गई। ललित ने कहा, क्या बताऊं यार, अब लक्ष्मी मुझे कपड़े धोने की थप्पी से मारती है, अब उसे भी निकालना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन लाऊंगा तो थप्पी से मार खाना बंद हो जाएगा। ललित जी सिखाते हैं बड़ी चीज, समस्या को सुलझाने के लिए समस्या के मूल कारण, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यदि समस्या को सतही तौर पर हमने सॉल्व किया तो समस्या तो वहीं की वहीं है। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि समस्या सुलझ गई, लेकिन समस्या का मूल रूप तो वहीं का वहीं है। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।